आज मैं बाहर आया हूँ, आज मैं आपको दिखाऊंगा। बाल बाल बच गए, सॉरी आपको डराने के लिए। आज मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मूवीज़ या वीडियोज़ में आपने ऐसे जानवर देखे होंगे, इनको कैसे ऐड किया जाता है। बस 2 मिनट की एडिटिंग होती है, फ़ोन पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। या आप कभी ऐसे अपना हेलीकॉप्टर भी बुला सकते हो, जैसे अभी मेरा हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड करेगा, बिल्कुल रियल लगेगा ये। तो अभी मैं अपने हेलीकॉप्टर को वापस भेज रहा हूँ। या कभी कभी आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे जानवर ऐड कर सकते हो, ये बिल्कुल रियल लग रहा है, लेकिन दिखने में ये जानवर बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, आपको इनसे बचना चाहिए। गुस्सा हो गया है ये, देखो। तो मैं आपको दिखाऊंगा घर पे, अभी ये गुस्सा हो गया, इसको शांत करना पड़ेगा। ये पीछे मैंने इसको शांत किया है, माफ़ी मांगी मैंने इससे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडियो में ये सब कैसे करते हैं। तो ऐसे जानवर को कभी गुस्सा नहीं दिलाना होता है। अगर अभी तक आपने लाइक फॉलो एंड शेयर नहीं किया है, लाइक फॉलो एंड शेयर कर दो। मिलते हैं अपने स्टूडियो में। चलो मैं आपको दिखाऊंगा फ़ोन पे ये सब कैसे करते हैं। चाहे आप फ़ोन पे एडिट करो या पीसी पे, प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा। अगर आपके पास कोई भी वीडियो एडिटिंग ऐप होगी तो उसमें भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे VN वीडियो एडिटर यूज़ करने वाला हूँ, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हमारे पास ऐप है, अब सेटअप नंबर 2 क्या है, हमें क्लिप लानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको हेलीकॉप्टर चाहिए बैकग्राउंड में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हेलीकॉप्टर वाली वीडियो डाउनलोड करनी है। तो डाउनलोड कैसे करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। आप YouTube ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे हेलीकॉप्टर ग्रीन स्क्रीन। आप देख सकते हो बहुत सारी वीडियोज यहाँ पे शो होगी, इनमें से आप कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। बस बैकग्राउंड ग्रीन होना चाहिए, फिर इस ग्रीन कलर को हम अपनी वीडियो एडिटिंग ऐप में रिमूव करेंगे। यहाँ पे मैं शॉर्टकट आपको दिखाता हूँ डाउनलोड कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाला वीडियो डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे शेयर पे टैप करोगे और यहाँ से इसकी लिंक कॉपी करोगे। फिर क्या करना है, सिंपली अपने ब्राउज़र में आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है सेव फ्रॉम नेट। ये चीज़ सर्च करेंगे, फिर नीचे आप इस वेबसाइट में आएंगे, तीसरी वेबसाइट होगी। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपनी लिंक पेस्ट करनी है जो हमने अभी कॉपी की है। पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड पे मैं टैप करूँगा तो वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। अब हमारे पास वीडियो भी है, ऐप भी है। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, एक्टिंग। देखो आपको पता है आपके बैकग्राउंड में अब हेलीकॉप्टर आने वाला है, तो आपको उसी हिसाब से एक्टिंग करनी है। जैसे आप मेरी वीडियो देखो, मैंने एक्टिंग की, मुझे पता था क्या होने वाला है आगे, मैंने उसी हिसाब से एक्टिंग की। अगर आप कैमरा एक जगह फिक्स करेंगे तो और बेटर लगेगा। आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक वीडियो क्लिप लेंगे और उसको शेयर करेंगे। देखो अब हमारे पास हेलीकॉप्टर भी है, ऐप भी है और वीडियो भी है। अब लास्ट स्टेप क्या है, एडिटिंग। मैं आपको दिखाता हूँ आसान तरीके से ये सब कैसे किया जाता है। आप यहाँ पे अपनी वीडियो एडिटिंग ऐप ओपन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अपना VN वीडियो एडिटर ओपन करता हूँ, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे प्लस पे टैप करना है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करना है और यहाँ से मैं अपनी वीडियो इम्पोर्ट करूँगा जो मैंने अभी सेव की है। देखो वीडियो आ चुकी है यहाँ पे, अभी कुछ भी नहीं है मेरी वीडियो में, यहाँ पे मैंने बस एक्टिंग की है। देखो अब आपको क्या करना है, सिंपली ये वाले बटन पे टैप करना है। देखो ये बटन आपको दिख रहा है, इस पे टैप करना है। इस पे टैप करेंगे, नीचे फोटो वीडियो पे टैप करेंगे और यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे अभी पहले टाइगर ऐड करना है, मैं यहाँ पे टाइगर इम्पोर्ट करता हूँ। देखो जो भी क्लिप्स मैंने अपनी वीडियो में यूज़ की है, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। देखो टाइगर है यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ पे ग्रीन कलर आप देख सकते हो, हमें इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव कैसे करेंगे, देखो क्या करना है, सिंपली इसी वीडियो को हमें यहाँ पे सिलेक्टेड रखना है। आप ऊपर देख सकते हो सिलेक्टेड है ये क्लिप, फिर राइट साइड की तरफ नीचे स्क्रॉल करना है, हमें यहाँ पे क्रोमा दिखेगा, क्रोमा का ऑप्शन दिखेगा, हम इस पर टैप करेंगे। देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है क्रोमा, इस पर हम टैप करेंगे। अब यहाँ से मैं वो कलर चूज़ करने वाला हूँ जो मुझे नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ग्रीन कलर यहाँ पर नहीं चाहिए, तो मैं इसी को चूज़ करूँगा, यहाँ पे ग्रीन कलर मैं चूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं इंटेंसिटी बढ़ा सकता हूँ, अगर वहाँ पे कुछ कलर रह जाता है तो सिंपली थोड़ी सी इंटेंसिटी हमें बढ़ाऊँगा और यहाँ पे डन पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं कलर रिमूव हो चुका है और यहाँ पे टाइगर को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगा, अब थोड़ा सा सही लग रहा है ये, हाँ अब रियल लग रहा है। आप देख सकते हो, आप इसको छोटा भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये टाइगर मैंने ऐड किया है। अब फॉर एग्जाम्पल हेलीकॉप्टर ऐड करना है, उसके लिए सेम प्रोसेस है, इसी बटन पे टैप करना है, ये जो यहाँ पे बटन आपको दिख रहा है इस पे टैप करेंगे, फोटो वीडियो पे टैप करेंगे, ये हेलीकॉप्टर मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, राइट साइड की तरफ स्वाइप करना है, नीचे क्रोमा पे टैप करेंगे, यहाँ से ग्रीन कलर हम रिमूव करेंगे। देखो डन पे टैप करेंगे, अभी हेलीकॉप्टर आप देख रहे हो,
इसका मैं वॉल्यूम कम करता हूँ। सिंपली क्या करना है, लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, मैं यहाँ पे वॉल्यूम पे टैप करूँगा और इसका वॉल्यूम मैं नीचे कर दूंगा। इसका अभी मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपको सिखाना है। देखो आप देख सकते हैं ये हेलीकॉप्टर बिल्कुल अभी सही नहीं लग रहा है, ये बीच में आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर लेंगे पीछे की तरफ यहाँ से। अब बिल्कुल लगेगा हेलीकॉप्टर पीछे लैंड कर रहा है। तो आप देख सकते हो कितना ईजी है ये सब करना। अब मैंने अपना हेलीकॉप्टर भी ऐड किया है, बहुत ज़्यादा ईजी है ये सब करना। दो सीटअप में हो जाता है। यहाँ पे क्रोमा का ऑप्शन मिल जाता है, पीसी में अल्ट्रा की नाम होगा इफेक्ट का या क्रोमा की नाम होगा इफेक्ट का, या अगर आपके पास कोई और वीडियो एडिटिंग ऐप है तो उसमें भी अल्ट्रा की हो सकती है, क्रोमा हो सकता है, क्रोमा की हो सकती है। ऐसे ही नाम अगर आपको दिखेंगे वो इफेक्ट आप अप्लाई करेंगे, कलर रिमूव करेंगे तो हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ट्रेन चाहिए, आप यूट्यूब पर जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करेंगे वीडियो, बैकग्राउंड में ग्रीन कलर होना चाहिए, ग्रीन कलर यहाँ से रिमूव करेंगे, आराम से हम यहाँ पे ट्रेन भी ऐड कर सकते हैं, हम कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा ये सब कैसे करते हैं। अब इसको बेटर कैसे बना सकते हो, आप साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड करेंगे यूट्यूब से, वो यहाँ पे ऐड करेंगे साउंड इफेक्ट्स, तो और ज़्यादा बेटर लगेगा। अब आई होप आपको कुछ हासिल होगा इस वीडियो से, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो यूट्यूब पे, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी लाइक तो आपने किया ही होगा। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए एडिटिंग के रिलेटेड या किसी और चीज़ के रिलेटेड तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।